बना कर खाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी है खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं दुआ करती हूँ जो भी बहन भाई किसी दुख या तकलीफ में अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खुश रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शेयर करते हैं ताकि वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी मैं हूँ लकड़ी लेने के लिए, इधर वो है हमारा घर और इधर आ रही हूँ मैं दूर काफ़ी। तो आज बाहर का ये देखिए माहौल भी आपको दिखाएंगे शेयर करेंगे। और वैसे तो आज मैंने ये देखिए नया सूट जो लिया था मेरे शोहर ने मुझे गिफ्ट दिया था तो वो आज मैंने पहना हुआ है क्योंकि इसकी सिलाई हो गई है। मैंने कर लिया चलो ये पहन के दिखाऊँ तो आप सब ने बताना है कि ये सूट आपको कैसा लग रहा है। तो अभी लकड़ी उठा लेते हैं और दोपहर का जो है खाना बनाना है। ये देखिए जो कंधा में ना बड़ी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। तो अभी 2 बजे का टाइम है और धुंध भी अभी रुकी हुई है, कुछ चली तो गई है। वैसे सुबह इतनी धुंध थी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अब माशाल्लाह ये देखिए धूप भी निकलने वाली है और कुछ जो धुंध है ना वो कम हो गई है। तो लकड़ी भी पता नहीं इस साल हमारे यहाँ कम हो गई हैं क्योंकि पहले तो काफ़ी सारे जो कपास ना ज़्यादा होती थी, इस बार कपास हर किसी की थोली थी तो इसलिए ये देखे लकड़ी भी कम है। पता नहीं कैसे गुजारा होगा, मोटे लकड़ी ले लेंगे कहीं से, दरख्त जो होते हैं ना इसकी। ये देखिए सामने तल्ला काटा जा रहा है जानवरों के लिए। कहाँ जा रहे हो? मटर लो, दाना भरा मटर। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मेरे पास आओ, आओ टमाटर दूंगी उस्मान को। बाहर खेलने के लिए उस्मान चला गया है, मैं साथ में टमाटर हरी मिर्चें हरा जूस धनिया वो भी मैंने काट लिया, टमाटर और आलू भी मैंने काट के अच्छे तरीके से धो के रखे हुए हैं। तो बनाते हैं इसको, घी नहीं है तो उसी भाई को कहते घी ले आएगा तो फिर उसे बनाना शुरू करते हैं। और उस्मान को देखे जी, उस्मान ने अपनी खेल बनाई हुई है माशाल्लाह से। आज उस्मान के लिए धूप भी के लग गया ऐसे। खड़े हो जा, खड़े हो जा उस्मान। और तोते वाला को देखो, ये सारा दिन तोते के पीछे रहता है, उसको अभी ना सब्ज मिर्च ले गया है तो उसको दे आया है, वो कहते हैं तोता खाएगा। एक
तो जी घी अभी ले आए वसीम भाई, जो मैं डब्बे में डाल के अभी आग जलाते हैं, खाना जो है वो रेडी करते हैं। और उस्मान खा रहा है गोंगलू, वो ऐसे हाथ भी बना रहा है। कैसे उस्मान, खत्म हो गया? वो कहता खत्म हो गया, आप खा रहा है। थाली में ना घी रह जाता है, इसको गरम करते हैं फिर निकलता है। हाँ उमर ने पैसे लिए हुए हैं, कहता है कि चीज़ लेनी है। ऐसे कितने पैसे उमर? कितने हैं उमर को पता चलता है? 3 लोट हैं ऐसे ना, अभी पता नहीं चलता, छोटा है ना। 30 रुपये हैं उमर के पास, मैंने दिए हैं। कहता है कि दुकान पर जाऊँगा चीज़ लूँगा, उस्मान के लिए भी लेगा अपने लिए भी। हाँ घी मैंने डाल दिया है, आग भी जल चुकी है अच्छे तरीके से। घी थोड़ा गर्म हो जाए ना, क्योंकि इसमें टमाटर हरी मिर्चें सब मसाले इसमें डालेंगे और आलू ना फ्राई करेंगे। आज अकेले ही आलू बना रहे हैं। उमर खाएगा? उस्मान शौक से खाते, उस्मान कहते हैं बस मैंने आलू खाने, तो आधे आलू तो उस्मान खा जाएगा। अब आग जली है? आधे हैं, आधे नहीं है। तो लून मिर्चे हैं, आटा भी गूंद लिया ऐसे? हाँ जी, आटा भी मैंने गूंद लिया। सालन बना के तो क्या बनाना शुरू कर देंगे। सलाम दुआ कर लिए मामू फूफो हम सब, तो अब मैं खाना बना रही हूँ। तो होटल के लिए है ना, मैं सर्दी है ना, ठीक है। मैंने कहा चलो आलू बना ले आज, आलू तो जी आलू मैंने डाल दिए हैं, अभी इनको तड़का लगाएंगे। और मोटी गंदला का साग है? नहीं, नहीं गंदला का साग नहीं है। ऐसा कुछ हो कहीं गंदला का साग तो मैं क्या चले सामाली ले आती हूँ। कल वो नहीं होती है ना, वो खड़ी हुई है मेरे ख्याल में कुछ। उसको नहीं घूमने? नहीं नहीं, ये राय की फूल नहीं है। इधर हमारे पास भी, इधर आस पास भी कहीं नहीं है। और आग देखे हमारी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। और देखी जो है मेरी काली हो गई, आग ज्यादा जली है ना, देखी काली हो गई, धुएं से काली हो गई। हाँ धुएं से, क्योंकि मोटी लकड़ी के धुआं ज्यादा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन मेरा हो गया रेडी, और अभी बना दे रही है रोटियां। तंदूरी डाले, तंदूरी बना रही है। तंदूरी है तो तंदूरी जरूर लग जाएगी। तोलिया लग जाए मक्खन हो ना वाला, तंदूरी जरूर लग जाएगी। सफाना मैं रोटा मेरे को देख 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 गई है। रोटा पतला पका मैं आप मोटा पकी नहीं रोटा बोल सारे नहीं मोटा रोटा खा ले पका दी ने खेले में जल्दी के ना पान की थी खड़ो ने नो भी मोटा मोटा पका के ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आलू का सालन बहुत ही प्यारा बना गया। आज मेरी रोटी थी नसीब होती। दोपहर का खाना हमने बनाया, तो आज दोपहर की रूटीन आप सब बहन से शेयर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप सब बहन को बहुत ही पसंद है। तैयारी कराने वाली आई बस, बहुत ज्यादा पाला है ना, मैं कि की बन जाऊं पाले बन जा दे वल्ला में। कल धूप निकली था, धूप देना, हां धूप देना। वो मुझे अब खाने का। तो माशाल्लाह से कुछ रोटियां मैंने बना ली हैं और फूफो भी खा रही है। पहले मैंने सबसे पहले फूफो को दिया, मैंने कहा फूफो को भूख लगी होगी, और फूफो ने कहा कि मैंने इधर ही बैठ के रोटी खाऊंगी, सुबह सुबह मैं नाश्ता करके रही हूं ना। हां अभी कट सेट हो गया, अभी और भी बनानी है।
उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सब बहन भाई बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।